अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं रोजे? आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की कचौरी, लेकिन मेरे पास छिलके वाली दाल थी, जितना हो सका उतना मैंने निकाल दिया है। अब बर्तन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, जीरा डाल के मैंने मूंग ऐड कर दिया है, और उसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, नमक और हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐसी खड़ी ही डाल दूंगी, वो तो बाद में हमें इसको पीसना है तो पिसा जाएगी, क्योंकि पेस्ट जो है मेरे पास वो ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है और ये सब चीज़ें चटपटी अच्छी लगती हैं। 5 मिनट के बाद मैंने खोल के देख लिया है, तो अभी थोड़ी कड़क थी तो उसको 3-4 मिनट के लिए और ढक दिया। थोड़ा गर्म मसाला भी ऐड कर दिया है मैंने। अब देखिए ये हो गई है। अभी इसको दूसरी तरफ हम आटा तैयार कर लेते हैं। 1/2 किलो मैदा लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन को ऐसा हथेलियों से क्रश करके डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, चाहे समोसा की आप पट्टी बनाएं या कचौरी बनाएं, लेकिन अजवाइन डालो तो अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। 1 फाइन डो हमने तैयार कर लिया है, उसको हल्का सा तेल लगा के मैंने चिकना कर लिया है। अब इसको एक कपड़े से ढक के रख देंगी। अब देखिए मिक्सी जार में दाल को हम पीस देंगे, इस तरीके से दरदरी सी दाल पीसेंगे जो फिलिंग बनाना है हमें। इसमें मैंने चाट धनिया 1/2 कप कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल दिया है मैंने। अब इधर आटे को भी हमने 20-25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, इसके बाद हम इसको थोड़ा गूंथ के और सॉफ्ट कर लेंगे। अब फिर अपनी कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए मैंने कैसे एक लोई बनाई है छोटी सी, और उसको बेल लेंगे हम। बेलने के बाद अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा गोल करके ऐसे ले लेंगे, क्योंकि कचौरी बनाना है, फिलिंग भरना है हमें। अब इसको देखिए सारे सिरों को पकड़ के एकदम अच्छे से इसको लॉक कर देंगे, बहुत अच्छे से इसका सील कर देंगे, ताकि इसमें से दाल बाहर बिल्कुल ना आए तलते वक्त। अगर ज़रा भी अच्छे से आप उसको पैक नहीं करेंगे तो ऑयल में डालते ही फौरन फट जाएगी कचौरी और दाल बाहर आ जाएगी जो फिलिंग हमने बनाई है। इसी तरह हम अपनी पूरी कचौरियाँ बना के पहले बेल के रख देंगे, फिर दूसरी साइड हमने ऑयल रखा हुआ गर्म करने के लिए वो उसमें डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही पहले डालेंगे, बाद में जब थोड़ा कड़क हो जाएगी हमारी कचौरी फिर उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने डाल दिया है 3 कचौरी। अब इसको 2-3 मिनट एक तरफ अच्छे से होने देंगे, थोड़ा कड़क हो जाएगी तो उसको पलटी करेंगे। देखिए थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, लेकिन हम एकदम स्लो फ्लेम पर ही इसको तल रहे हैं। इसको फास्ट आंच पे आप रखेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएगी, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। और थोड़ा लो फ्लेम पे करेंगे तो आपकी कचौरी एकदम क्रिस्पी तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी तैयार होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, खस्तगी लगती है। अब देखिए टिश्यू पेपर पे हमने निकाल दिया है और प्लेटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी खस्ता कचौरी हमारी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।